छठ मैया की बहुत बड़ी कृपा है कि आज हमको ये मौका मिला, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, छठ माई का ही दिया हुआ। आज हमने साई की रसोई के साथ सुमंगल और साई की रसोई ने मिलके आज लगभग हमने 100 लोगों में छठ व्रतियों को आज हमने वितरण किया है। छठ हम अपने सभी प्रतिष्ठान सुमंगल बिग शॉप या वूल हाउस की तरफ से आप सभी को छठ मैया की बधाई देते हैं। पूजा करने का सब अपने उत्साह से छठ मैया का व्रत त्यौहार मनाएं, यही मैं कामना करता हूं। मैया सबको आशीर्वाद दे, अपने चरणों में शरण दे। बेगूसराय शहर में सुमंगल और वूल हाउस की टीम के द्वारा जो है आज यहां पर छठ के मौके पर जो है 50 जरूरतमंद जितने भी छठ करती हैं महिलाएं उनको पर जो है सामग्री वितरण किया गया, जहां पर देख सकते हैं 50 जरूरतमंद लोगों के बीच जो है छठ व्रतियों के बीच जो है यहां पर वितरण कार्यक्रम रखा गया, जहां सिर्फ 50 ही नहीं 100 से भी ज़्यादा की संख्याओं में महिलाओं को जो है यहां पर जो है छठ सामग्री जैसे केतारी हो, नारियल हो या फिर साड़ियाँ हो, ये सब जो है यहाँ दिया गया। आपको बताते चले सुमंगल 2 के पास अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से छठ के मौके पर जो है यहाँ पर पहली बार सुमंगल के द्वारा जो है तमाम महिलाएं जो छठ करती हैं लगभग 100 की संख्या में जरूरतमंद महिलाओं को जो है जो कि छठ व्रतियों के बीच में जो है यहाँ पर जो है छठ पूजा सामग्री जो है बांटा गया, जहाँ पर साड़ी, नींबू और नारियल जैसे कई एक चीज़ यहाँ बांटा गया। इनका कहना है कि हम आगे भी निरंतर समाज सेवा ऐसे करते रहेंगे, तो एक छोटा सा पहल हमारी तरफ से है। अर्गिच मैडम है, क्या कहना चाहेंगे आज पहली बार जो है आपके संस्था के द्वारा जो है लगभग 100 लोगों के करीब लोगों को आज जो है छठ का प्रसाद के रूप में एक तरह से सम्मान दिया गया। देखिए सबसे पहले तो छठ मैया की बहुत बड़ी कृपा है कि आज हमको ये मौका मिला कि आज हम छठ पूजा की सामग्री वितरण कर रहे हैं, और हम इन्हें गरीब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम ना मतलब ज़रूरतमंद बोल सकते हैं। और आज का दिन तो ऐसा दिन है जो सब लोग आते हैं लेने के लिए, और हमें अच्छा लगता है क्योंकि सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, छठ माई का ही दिया हुआ, उन्हीं को दे रहे हैं। बस सब कोई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रार्थना है। देखिए आज 50 लोगों का सोचा था लेकिन अब देख रहे हैं संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो अच्छा है ना, शायद छठ मैया ने हमें इसका माध्यम बनाया, तो हम तो चाहते हैं कि और लोग बढ़ें तो और हम उनको दें आगे, और भी सोचें और भी। हाँ आगे हर बार करें। हाँ कैसा लग रहा है सबको? सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये करके बहुत अच्छा काम है, सबको करना भी चाहिए छठ पूजा का। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं देते जाते हैं। कुछ मनोज सर हैं और इनके संगठन के द्वारा जो है आज यहाँ पर जो है छठ पर के अवसर पर देख सकते हैं जरूरतमंद लोगों के बीच में यहाँ पर बांटा गया। सर क्या सब कहना चाहेंगे आज पहली बार जो है इस तरह से आपने? सर मैं तो छठ पूजा की सबको अपने बिहार का एक गौरव है छठ मैया की पूजा, इस मौके पर जो भी छठ व्रती हैं मैं उनको सबको अपनी चरण वंदना करना चाहूँगा, तो अपनी छठ मनाएं। हम तो इसमें कुछ नहीं किए, कुछ छठ व्रतियों को हमने ज़रूर कुछ सामान दिया है जो उनके छठ व्रत में काम आ जाए, बस हमारा प्रयास यही है कि सभी आदमी बढ़िया से छठ बनाएं। सबों की छठ की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, हम सबके साथ छठ मनाएं। हमारे बीच यश जी हैं, किस तरह से आज जरूरतमंद लोगों के बीच जो है आपने वितरण किया, कहा तो सिर्फ 50 था लेकिन लग रहा है 100 लोग से पार हो गए। जी बिल्कुल आज हमने साई की रसोई के साथ सुमंगल और साई की रसोई ने मिल के आज लगभग हमने 100 लोगों में छठ व्रतियों को आज हमने वितरण किया है। किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे वूल हाउस अपने सुमंगल की तरफ से सभी तमाम? हम लोग अपने पूरी फैमिली पूरे परिवार के तरफ से सुमंगल वूल हाउस बिग शॉप सबके तरफ से बेगूसराय के सभी लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और यही आशा करते हैं कि आपके जीवन हमेशा कुशल मंगल रहे। ऐसे ही आज से शुरुआत किए हैं तो कोशिश करेंगे समाज सेवा भी करने का आगे भी। बिल्कुल हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं, ये हमारा पहली बार नहीं है, हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग संस्थाओं के साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। साई की रसोई के साथ भी हम लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं, तो जहाँ हमारे से बन पड़ता है हम लोग हमेशा उसमें करते रहते हैं। बेगूसराय के चर्चित न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर भवेश कुमार डीएम न्यूरोलॉजी अब नए पते पर शिफ्ट हो गए हैं। हमारा नया पता है NH 31 मोहम्मदपुर जेल गेट से 500 मीटर पूर्व, जहां लकवा, मिर्गी, सिरदर्द, नसों और मांसपेशियों की बीमारियों का होता है बेहतर इलाज। तो आज ही आए माँ कामाख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिटी सेंटर। यहां पर आज सुमंगल और साई की रसोई के संयुक्त तत्वाधान में आज जरूरतमंदों के बीच में छठ व्रत का सामग्री बांटा गया है, तकरीबन 60+ लोगों के बीच में बांटा गया है। हम लोग का हमेशा प्रयास रहा है कि बेगूसराय शहर में जो ऐसे जरूरतमंद छठ व्रती हैं उन्हें लाभ मिलता रहे, उन्हें छठ उनका कभी खाली नहीं जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर सुमंगल 2 पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो भी जरूरतमंद छठ व्रती हैं उन्हें सामान मिला। पर आप लोगों ने किया? अभी इससे पहले हमने कल ही रसोई पर हमने किया था और आज यहाँ पर हो रहा है।
हाँ हाँ हमेशा ये चलते रहता है, कोई ओकेजन आता है तो उसमें हम लोग करते रहते हैं। अमित जायसवाल, साईं की रसोई। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, देने से कभी कम नहीं होता है। अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाता है और जितना आप कर सकते हैं उतना लोगों के लिए कीजिए। कल भी हमने रसोई में करीब 50 आदमियों को नारियल, सूप, साड़ी और तमाम चीज़ें जितनी भी एक छठ में एक सूप में होता है वो हमने कल दिया। और आज यश के साथ, सुमंगल टू के साथ मिलकर आज भी उन्हीं सामग्रियों का वितरण किया, इससे दिल को काफी संतुष्टि मिलती है। बेगूसराय में खुल गया उत्तर बिहार का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल शिवायु, जहां एम्स दिल्ली के दो प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से सभी आंख संबंधित रोगों का होता है बेहतर इलाज, जैसे सफेद एवं काला मोतियाबिंद, फेको सर्जरी, रेटिना सर्जरी एवं आधुनिक चश्मा। हमारा पता है बाघा मिलन चौक, बेगूसराय, बिहार।